वेलकम है आपका एक नए प्रॉपर्टी टूर में। दोस्तों, मैं सुनील चौधरी, दीप होम जयपुर से, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जयपुर की एक प्राइम लोकेशन, पत्रिका गेट से बहुत ही नज़दीक सिद्धार्थ नगर में एक 4 BHK का इंडिविजुअल हाउस। और घर बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले आप एक बार इसका एलिवेशन देखिए। यहाँ पर टोटल इसमें आप देखेंगे तो 4 आपको बेडरूम मिल जाएंगे, साथ ही एक केयरटेकर रूम है और किचन आपकी मॉड्यूलर है। लिफ्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक बार यहाँ पे आप जैसे सराउंडिंग एरिया है ये भी देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं जयपुर शहर में पत्रिका गेट के आसपास एक बढ़िया सा इंडिविजुअल हाउस परचेज करना, तो घर की पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करके मैं दे रहा हूँ, और वहाँ नंबर भी है, तो वहाँ आप कॉन्टेक्ट कर इस प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। एलिवेशन आपने देखा, अब यहाँ पे जैसे बाउंड्री वॉल है आपकी, ये देख सकते हैं आप, बढ़िया स्टोन फिनिश के साथ में काम किया हुआ है। और मेन जो आपका गेट है वो कुछ इस तरह की डिज़ाइन के साथ में है। अब यहाँ अंदर की तरफ आप आते हैं तो ये है आपका, देखिए, पार्किंग एरिया, और इसमें आप लाइटिंग वगैरह का जो काम है ये एक बार आप देख लीजिए। और जस्ट एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे साइड में आपका जो सुरेख है वो वहाँ तैयार किया हुआ है। और एंट्री आपको घर में देखिए डबल मिल रही है, एक आपके ड्राइंग एरिया की तरफ से और एक आपकी सीधी यहाँ पे आगे की तरफ लिविंग डाइनिंग एंड ऊपर के फ्लोर पे जाने के लिए जो स्टेयर्स है वहाँ पे। तो अब ले चलता हूँ मैं आपको यहाँ से एक बार ड्राइंग एरिया की तरफ से घर के अंदर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे सामने की तरफ आपका वायर मेश डोर लगा हुआ है सबसे पहले, और साइड में आप देखेंगे तो ये जो आपका विंडो सेक्शन है ये देख सकते हैं। अंदर की तरफ पूरा देखिए जो है ग्रिल वर्क किया हुआ है। बाहर की तरफ आप ये देखेंगे तो स्लाइडिंग डोर इसमें दिया हुआ है। ऊपर की तरफ लाइटिंग वगैरह पूरी चीज़ें देख ही सकते हैं। शाम के टाइम तो घर का जो लुक है भाई बड़ा प्यारा आने वाला है। यहाँ पे वायर मेश डोर और जो आपका डोर है मेन, वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की डिज़ाइन के साथ में है। अब हम मूव करते हैं आपके ड्राइंग एरिया की तरफ। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ड्राइंग एरिया है, और सोफ़ा आप देख सकते हैं अरेंज किए हुए हैं। सामने की तरफ आपकी सेंटर टेबल, यहाँ पे एक दिया हुआ है आपका पार्टीशन, और आगे की तरफ आपका एक और सीटिंग अरेंजमेंट है। तो आइए आगे की तरफ। अब यहाँ आप देखेंगे तो सोफ़ा के साथ आपकी जो सेंटर टेबल है वो दी हुई है, और सामने की तरफ आपका एक पाउडर रूम, यहाँ पे आपकी लिफ्ट है, और सोफ़ा के सामने की तरफ बड़ा एक LED पैनल दिया हुआ है। अब एक बार आप पूरी जो सीलिंग डिज़ाइन है यहाँ की ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आगे की तरफ आपका डाइनिंग एरिया, किचन और एक बेडरूम है, और साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका मंदिर है, बड़ा प्यारा तैयार किया हुआ है, एक बार आप देखिए। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बढ़िया यहाँ पे आपके ड्रॉवर दिए हुए हैं। घर में कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। अब देखिए सामने की तरफ यहाँ से आपकी सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको ऊपर के फ्लोर पे ले जाती है, और यहाँ से डायरेक्ट एंट्री आपकी जो पोर्च से है वो मिल ही रही है। अब हम एक बार आगे की तरफ मूव करते हैं, आपका जो डाइनिंग एरिया है, बेडरूम है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप आते हैं तो जो डाइनिंग जो सेटअप है आपका वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो स्टोरेज स्पेस है, कॉर्नर में आपका वॉश बेसिन एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, बढ़िया ग्लास पार्टीशन के साथ में अच्छा काम किया हुआ है। अब यहाँ से एक बार आप जो सीलिंग डिज़ाइन है ये देख लीजिए, लेआउट बहुत प्यारा दिया हुआ है घर का। अब यहाँ पर आप आते हैं किचन की तरफ तो ये देखिए दोनों साइड आपको जो है काउंटर टॉप यहाँ पे तैयार करके दिया जा रहा है। और यहाँ पे स्टोरेज की मैं बात करूँ तो भाई स्टोरेज की तो घर में कहीं कोई कमी नहीं है। ये देखिए साइड में भी आप देखेंगे यहाँ पे तो ये ग्लास वर्क आपको मिल जाता है। ड्रॉवर्स की बात करूँ तो देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ में आपके ये ड्रॉवर्स है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं बास्केट्स रखी हुई है वेजिटेबल फ्रूट वगैरह रखने के लिए। यहाँ भी आपको बढ़िया देखिए स्टोरेज यूनिट दी हुई है।
ये है आपका सिंक एरिया। और किचन में आप देखेंगे तो अब यहाँ पे एक आपका स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है, ये देखिए 3 ट्रैक के साथ में। और बैक साइड की तरफ आप आते हैं तो यहाँ भी देखिए आपको एक सिंक मिल जाता है। और ये आपका यूटिलिटी एरिया है जहाँ पे बेडरूम की भी आपकी विंडो रहने वाली है। तो भाई घर में वेंटिलेशन भी आपको प्रॉपर मिलेगा। पीछे की तरफ आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं पूरा आयरन से कवर किया हुआ है, तो सेफ्टी का भी पूरा यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। अब हम चलने वाले हैं आपके बेडरूम की तरफ, और बेडरूम में आपको अटैच ड्रेसिंग एंड जो है वॉशरूम आपको मिल जाएगा। देखिए बेडरूम में आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ी साइज का आपका बेड दिया हुआ है। दोनों साइड देखेंगे तो विंडो सेक्शन है, और एक बार सीलिंग डिजाइन आप देख लीजिए। अब यहाँ पे आप वार्डरोब देखते हैं तो वार्डरोब आपकी स्लाइडिंग डोर के साथ में दी हुई है, और इसमें आप काम यहाँ पे देख ही सकते हैं। लाइटिंग वगैरह का भी प्रॉपर है। नीचे की तरफ ड्रॉवर यहाँ पे प्रॉपर दिए हुए हैं। इस साइड में आप आएंगे तो यहाँ पे आपका मिरर एरिया ये देखिए, और अटैच मिलेगा आपको यहाँ पे आपका वॉशरूम। सबसे पहले आप इसका जो डोर है वो देख लीजिए यहाँ पे, और एंटर करते ही आपका वॉश बेसिन एरिया, साइड में है आपकी वेस्टर्न सीट, और जो शावर एरिया है वो आपको यहाँ पे देखिए सेपरेट ग्लास पार्टीशन के साथ में दिया हुआ है। तो ये देखा हमने बेडरूम आपके ग्राउंड फ्लोर का। अब फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है, दोनों में अटैच वॉशरूम है, और सेकंड फ्लोर पे एक और आपका बड़ा बेडरूम और एक आपका केयरटेकर रूम मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो पाउडर रूम है वो मैंने आपको दिखाया नहीं, वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए एक बार ये लिफ्ट आपकी, और यहाँ पे साइड में है आपका ये पाउडर रूम। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है कटआउट छोड़ी हुई है, वो भी मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ ऊपर चलेंगे तब। देखिए आप यहाँ से एक बार जो है एंट्रेंस पूरा देखते हुए अंदर की तरफ आइए। जो मेन डोर है आपका वो है कुछ इस तरह की डिजाइन के साथ में, और साइड से आपकी सीढ़ियाँ, सामने की तरफ आप जो डिजाइन दी हुई है ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए डबल हाइट ये ओपन एरिया है, और शानदार लाइटिंग का काम आपको वहाँ पे मिलने वाला है। अब हम मूव करते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आज की जो प्रॉपर्टी है वो आपको कैसी लगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही प्यारी और प्रीमियम प्रॉपर्टी मैं आपको चैनल पे और भी दिखाने वाला हूँ। अब हम आ चुके हैं आपके फर्स्ट फ्लोर सेंट्रल हॉल में, और यहाँ पर आप देखेंगे ये एक सीटिंग अरेंजमेंट आपका, सीलिंग डिजाइन एक बार देखिए। अब यहाँ पे आप आते हैं तो ये आपका देखिए लिफ्ट है ही, और साइड में ये जगह कटआउट छोड़ी हुई है ऊपर तक वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए। सामने की तरफ एक बार आप सीढ़ियों की डिजाइन देख लीजिए। अब इस फ्लोर पे आप देखेंगे तो आपके 2 बेडरूम है, एक पीछे की तरफ एक फ्रंट की तरफ। सबसे पहले आइए आप इस बेडरूम में, यहाँ पे आप आते हैं सबसे पहले आपकी नज़र जो है जाएगी फ्लोरिंग पे। तो जो फ्लोरिंग है वो आपको वुडन फिनिश के साथ में यहाँ पे दी जा रही है। बड़ा आपका एक बेड यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। बाकी आप वॉल पे जो वर्क है एक बार ये देखिए। साइड में है आपकी एक बड़ी विंडो, एक बार सीलिंग डिज़ाइन देख लीजिए। और बेड के सामने की तरफ का जो एरिया है ये आप देखते हैं तो यहाँ पे अगर LED आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, एज ए टेबल यूज करना है तो ये पार्ट आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, ड्रॉवर वगैरह इसमें दिए हुए हैं। अब इस बेडरूम में आपको मिलेगा एक बड़ा आपका ड्रेसिंग एरिया, और एक आपके जो वॉशरूम में है वो मिल जाएगा आपको बाथटब। सबसे पहले आप एक बार ये एरिया देखिए, यहाँ पर आप जो वार्डरोब सेक्शन देखते हैं तो भाई प्रीमियम क्वालिटी के साथ में पूरा ही काम आपको यहाँ पर करके दिया जा रहा है। स्टोरेज स्पेस आप देख सकते हैं, डबल आपकी वार्डरोब है, ऊपर की तरफ भी कैबिनेट यहाँ पे दिए हुए हैं। और सामने की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये मिरर एरिया, साइड में स्टोरेज स्पेस, पीछे की तरफ आपका यूटिलिटी एरिया, और यहाँ पे देखिए आपका जो है स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है। अब सामने की तरफ की बात करूँ तो यहाँ पे
सामने आपका वॉशरूम एरिया, और यहाँ पे आप जो डोर है एक बार ये देखिए और आइए अंदर की तरफ। अब यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक बाथटब जो है जकूजी यहाँ पे दिया हुआ है। साइड में आप देखते हैं ये आपका एक बड़ा वॉश बेसिन एरिया है, वॉल फिटेड वेस्टर्न सीट, और यहाँ पे है आपका सेपरेट देखिए शावर एरिया। तो ये देखिए हमने अब तक इस घर के दो बेडरूम, अब हम चलने वाले हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ, जिसमें कि आपको मिलेगी एक बड़ी बालकनी। घर का फ्रंट 22.5 फीट का है, डेप्थ इसकी 59 फीट की है। टोटल 147 वर्ग गज में बनी हुई आज की आपकी प्रॉपर्टी है। डोर आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया साइज में और अच्छी क्वालिटी में है। और यहाँ पे ये जो आपका बेडरूम है इसमें भी देखिए किंग साइज का आपका एक बड़ा बेड अरेंज किया हुआ है। बैक साइड का जो काम है ये देख लीजिए, और यहीं से एक बार जो है सीलिंग वगैरह जो देखते हुए आप सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी आपकी विंडो मिल रही है यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ में। और यहाँ पे है आपका वार्डरोब सेक्शन और अटैच वॉशरूम। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो वार्डरोब है वो आपको डबल मिल जाती है, ऊपर की तरफ भी कैबिनेट बने हुए हैं, और सामने की तरफ आपका एक बड़ा मिरर एरिया। इस साइड में है आपका वॉश बेसिन। भाई वॉशरूम बहुत अच्छे हैं इस घर के। अब यहाँ पे वेस्टर्न सीट आपकी, वेंटिलेशन प्रॉपर, और यहाँ पे सेपरेट देखिए आपका शावर एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए एक बार अंदर की तरफ से दिखाइए पूरा। टाइल्स का काम देख सकते हैं आप, हर एक वॉशरूम में आपको यूनिक काम मिलने वाला है। अब देखिए इसका जो बालकनी एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ भी आपको देखिए डबल डोर दिए हुए हैं, और ये आपकी बालकनी। इसमें आप देखेंगे तो ये पूरा ये आपका एलिवेशन का पार्ट है। उस साइड में भी एक बार जो जगह है वो दिखा दीजिए। अब हम चलने वाले हैं आपके सेकंड फ्लोर पे। दोस्तों आप अगर जयपुर शहर में पत्रिका गेट के आसपास कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आपको चाहिए एक लिफ्ट वाली बढ़िया प्रॉपर्टी, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप आएंगे तो ये आपका सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक प्यारा सा सैंडलेर दिया हुआ है। ये आपका इधर लॉबी एरिया, यहाँ भी सिटिंग अरेंजमेंट है। सीलिंग डिजाइन एक बार देख लीजिए आप। इस साइड का जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे तो यहाँ आपको एक स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। इसके पीछे की तरफ कटआउट है एंड ये आपका लिफ्ट। यहाँ भी जो आपका बेडरूम है इसमें भी बड़ी साइज में आपका ड्रेसिंग मिलेगा। देखेंगे अभी, सबसे पहले आप देखिए एक बार बेड, साइड में यहाँ पे वुडन में तैयार की हुई एक बढ़िया आपकी टेबल, पीछे की तरफ विंडो यहाँ भी है। सीलिंग डिजाइन देखते हुए एक बार सामने की तरफ आप देखेंगे, ये तैयार किया हुआ है आपका एक बड़ा एलईडी पैनल। आप देखिए अंदर की तरफ आप आते हैं तो सबसे पहले जो वार्डरोब सेक्शन है आपका, इनकी जो डिजाइन है हैंडल्स वगैरह ये देखिए भाई, काम आपको पूरा ही यहाँ पे यूनिक मिलने वाला है, और देख सकते हैं काफी डीप है। वार्डरोब के सामने की तरफ की बात करें तो यहाँ पे आपका बड़ा देखिए मिरर एरिया है। इस साइड में आपका अटैच वॉशरूम, और साइज देख सकते हैं वॉशरूम की आप, काफ़ी अच्छी साइज है, और कलर कॉम्बिनेशन भी टाइल्स वगैरह के बहुत ही प्यारे हैं। जस्ट सामने की तरफ आपका वॉश बेसिन एरिया है, ये आपकी वेस्टर्न सीट, एंड यहाँ पे आपका ये सेपरेट शावर एरिया। अब हम चलते हैं सामने की तरफ तो वहाँ पे आपका ओपन रूफ मिलेगा। डिटेल दोस्तों पूरी मैंने इसकी घर की डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। अब देखिए आप सामने की तरफ आएंगे तो आपको टाइल्स की जो है फ्लोरिंग यहाँ पे मिल जाती है।
और यहाँ पे आप देखते हैं तो एक सामने आपकी रेलिंग दी हुई है, ऊपर से पूरा आयरन से ये कवर किया हुआ है। और इस साइड में सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक कॉमन आपका वॉशरूम है, और यहाँ पे है एक आपका छोटा रूम, ये देखिए दोस्तों। ये देखा हमने आज एक बढ़िया सा प्यारा सा 4 BHK हाउस विद लिफ्ट। डिटेल पूरी नीचे मेंशन की हुई है। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर और एक नई वीडियो में नई और प्यारी प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।